अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर रोज़ मेरे न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें। तो सब व्यूवर्स, यहाँ पर आज मैंने हाफ मंथ बर्थडे केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप ये आइडिया 6 मंथ बेबी के लिए भी कर सकते हैं। जो हाफ ईयर के बेबीज होते हैं उनके लिए आप सिंपली हाफ केक भी बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राउंड केक ले लिया था सर्कल में, उसे मैंने बीच से हाफ कर लिया था और उसकी 4 लेयर्स बना ली थी। तो पहली लेयर को प्लेस कर देने के बाद सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है उसे शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट करना। अगर तो आपका केक ऑलरेडी मॉइस्ट है तो आपको उसको मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मॉइस्ट करते हैं तो इससे केक का जो टेस्ट है मज़ीद इन्हेंस हो जाता है और केक मज़ीद जूसी बन जाता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें व्यूवर्स, केक को मॉइस्ट कर देने के बाद अब मैं इस पर क्रीम स्प्रेड कर दूँगी, व्हिप क्रीम मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। क्रीम ऑलरेडी मैं व्हिप करके रख देती हूँ, उसकी वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि क्रीम को व्हिप करने में वैसे भी 8 से 10 मिनट लग जाते हैं और उसे मैं पहले व्हिप करके फ्रिज में रख देती हूँ। जब मुझे काम स्टार्ट करना होता है तो मैं इसे निकाल कर यूज़ कर देती हूँ। लेकिन स्टिफ पिक क्रीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे व्हिप करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। सेकेंड लेयर रख देंगे केक की। सेकेंड लेयर रखने के बाद भी अगेन मैं इसे इसी तरह ही शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट करके उस पर क्रीम स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसके बाद थर्ड लेयर करूंगी, थर्ड की भी मैं सेम वैसे ही लेयरिंग करूंगी। मैंने सिंपली क्रीम के ही साथ इसकी लेयरिंग की है। आप चाहें तो आप इसके अंदर चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपना फेवरेट किसी भी फ्रूट का क्रश भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब चौथी लेयर को मैं रखने के बाद इसे शुगर सिरप के साथ अच्छे से मॉइस्ट कर लूँगी और इस पूरे केक में क्रीम स्प्रेड कर लूँगी चारों तरफ अच्छे तरीके से। पैलेट नाइफ की मदद से मैं इस पर क्रीम लगा दूँगी। पहले सरफेस पर क्रीम लगाऊंगी, फिर इसके चारों तरफ क्रीम लगा लूंगी। तो यहाँ पर मेरा केक जो है ना वो अच्छे से रेडी हो चुका है, मैंने इस पर क्रीम लगा दी है। क्रीम को मैंने बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा फ्रेशिंग लुक वाला लुक नहीं दिया है क्योंकि मुझे इस पर फ्लावर से पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 3 कलर्स का यूज़ करूँगी, पिंक, पर्पल और ग्रीन। पिंक एंड पर्पल के मैं फ्लावर्स बनाऊंगी और ग्रीन कलर से मैं जो है ना मैं इसके लीव्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले जो नोजल्स होते हैं ना उनका यूज़ किया है, छोटे वाले नोजल्स, क्योंकि केक का साइज छोटा है। ये 1 पाउंड का केक है। लास्ट में इसकी आपको मेजरमेंट भी मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लेना कि मैंने इसको वेट स्केल पर रखकर देखा था तब इसकी कितनी, मतलब ये कितने पाउंड का केक बना था और उसका वेट क्या था। तो अब मैं पर्पल एंड पिंक क्रीम के साथ जो है ना फ्लावर्स बना दूंगी छोटे छोटे, अच्छे से केक को डेकोरेट कर लूँगी। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से एक साइड पर फ्लावर बना दें, एक तरफ ना बना दें, या फिर आप इसको हाफ में फ्लावर बना दें, हाफ में सिंपल छोड़ दें। अगर आपको ज़्यादा डेकोरेशन नहीं पसंद तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो बट व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर फुल इसको फ्लावर से भर लिया था ताकि हमारा केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। ऑलरेडी ये हाफ में है तो अगर हम इसकी डेकोरेशन अच्छे से करेंगे तो इसका जो लुक है ना वो और ज़्यादा निखर कर बाहर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस स्टेज पर मेरी केक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अब मैं लीफ वाले नोजल के साथ पाइपिंग बेग की मदद से इस पर लीव्स बना लूँगी। लीव्स बनाने के बाद जो है ना फ्लावर्स में मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। बहुत ध्यान से आपको यह वर्क करना है, आराम आराम से। यहाँ पर वीडियो मैंने स्पीड में कर दी थी मगर आपको वर्किंग के टाइम आराम आराम से वर्किंग करनी होगी। बहुत ही ध्यान से आपने काम करना है व्यूअर्स, ताकि आपका केक गिर ना जाए क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ में है। इसके बाद जो है यहाँ पर पैलेट नाइफ पर मैंने येलो कलर ले लिया है। अब केक के जो बैक है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था तो इस पर मैंने पैलेट नाइफ की मदद से थोड़ा सा उसे येलो टच दे दिया है। ये काम मुझे पहले ही करना था मगर मेरे जहन से निकल गया था, तो कोई बात नहीं, मैंने इसे बाद में कर लिया। आपने भी अगर कभी ऐसा हो जाए, आप भूल जाएं, तो आप पैलेट नाइफ पर कलर लेकर सिंपली उसे स्प्रेड कर लें। इससे क्या होता है कि आपके केक का जो लुक है ना वो एक क्लासी लगता है, क्लासी लुक आ जाता है इसमें।
पैलेट नैप से कलर स्प्रेड करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये येलो का शेड जो है ना इसमें आ चुका है। अब मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं गोल्डन एंड सिल्वर्स में, तो इन गोल्डन एंड सिल्वर शुगर बीट्स को मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि मज़ीद इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए। ये छोटे छोटे से जो डेकोरेशन की पीसेस होती है ना, इनको केक पर लगाने से व्यूवर्स केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर मेरे पास बटरफ्लाई के स्टिकर्स थे, उनको मैं केक पर लगा दूंगी। केक पर लगा देने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहले अच्छा लग रहा था या फिर बटरफ्लाई स्टिकर्स लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, ये मुझे लाजमी आप फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा लग भी रहा है और अच्छा नहीं भी लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट से अल्फाबेट्स बनाकर रख दिए थे, वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। आपको भी अगर केक बनाने के लिए किसी भी अल्फ़ाबेट की ज़रूरत हो तो आप इजीली चॉकलेट से बनाकर उसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मैंने वेट किया था तकरीबन 600 और 290 का वेट आ रहा था, तो इसका मतलब ये 1 पाउंड से ज़्यादा का ही बना है। वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरे केक की डेकोरेशन आपको कैसी लगी है, मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।